हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक फैन क्लब। दोस्तों मैं हूं कौशिक, आपके साथ स्वागत है एक न्यू वीडियो में। सो आज के वीडियो में बात करेंगे रियलमी C12, C11, C15 के बारे में। और आज के वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ देने वाला हूं। अच्छा है या बुरा है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ही बुरा होगा, तो अच्छा कहने से गलती होगा। और हर दिन मैं अच्छे न्यूज़ के साथ ही आता हूँ, आज थोड़ा सा गलत न्यूज़ है, मतलब बुरा न्यूज़ है आप लोगों के लिए। सो दोस्तों पूरे वीडियो आगे तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या न्यूज़ है क्या है। हम बात करेंगे तो C12 आएगा, उसके अंदर C15 आएगा, C11 स्पेशली C11 2021 नहीं, हम C11 के बात कर रहे हैं, क्योंकि C11 2021 के अंदर जो है वो एंड्रॉयड गो का वर्जन चलता है। वहाँ पे हमें स्टेबल अपडेट, मतलब जो UI 3.0 या 2.0 का कोई भी बात नहीं है, वहाँ पे जो R एडिशन है वो चलता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या अपडेट है, मतलब क्या न्यूज़ है, वीक न्यूज़ फॉर रियलमी C11, C15 एंड C12। चलिए आगे ज़रूर देखते हैं। और अगर आपको ऐसे वीडियो के ऊपर इंटरेस्ट है अपडेट किए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सारे बेल नोटिफिकेशन कॉल में क्लिक करके रख सकते हैं, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर बात की जाए रियलमी UI 3.0 के स्टेबल अपडेट या ओपन बीटा या एलेक्सिस के बारे में बात करें, तो मार्च और अप्रैल तक बहुत से डिवाइस के अंदर हमें देखने को मिल गया है रियलमी UI 3.0 का स्टेबल अपडेट और ईयर एलेक्सिस और ओपन बीटा भी, मगर अभी तक कोई भी नाम अनाउंस नहीं हुआ रियलमी C11, C12, C15 का। और क्यों नहीं हुआ और आगे जाके क्या होगा, सब कुछ आज क्लियर कर देंगे आपको इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रियलमी UI 3.0 अपडेट्स के बारे में। तो हमें जो रोड मैप देखने को मिला था इससे पहले, वहाँ पे हमें देखने को मिला था बहुत से डिवाइस के नाम, जैसे कि नार्जो जैसे हो गया, जैसे प्रो सीरीज़ के बहुत से, नार्जो के जैसे X50 Pro, बहुत से डिवाइस का नाम है। आप लोगों को आगे भी जरूर पता होगा, क्योंकि आप लोग जो है हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, उन्हें हर टाइम हर रोज ऐसे ही वीडियो मिलता रहता है रियलमी UI 3.0 अपडेट के ऊपर, तो उन्हें पता है कि किन किन डिवाइस के ऊपर अपडेट आने वाला है। तो आप लोगों को भी पता नहीं है तो ज़रूर चैनल पर जाकर विजिट कीजिए, वो भी देख लीजिए। और बात कर ले तो C12 या C15 या C11 का नाम, स्पेशली C15 क्वालकॉम एडिशन के बारे में मैं आपको एक और वीडियो में बात कर दूंगा आपका वहाँ पे, क्योंकि उसके ऊपर भी कोई कन्फ्यूजन अभी भी है बहुत से, मगर इसके ऊपर एक क्लियर कन्फर्मेशन जो आया है मेरे पास, उसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी कन्फर्मेशन नहीं था C12, C11 या C15 का। C11 मैं कह रहा हूँ, ओनली C11, नॉट C11 2021, ठीक है, 2021 वो है वो नहीं है, ठीक है, ये ओनली C11 के लिए है। सोचो आप बात करते हैं मुद्दे पे आके, क्योंकि C11 हो गया, C15 हो गया, C12 हो गया, इनमें कोई भी रियलमी UI 3.0 अपडेट का स्टेबल अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फुल्ली ऑफिशियली कन्फर्मेशन के साथ ही मैं कह रहा हूँ आपको, कोई भी भावता वाला वीडियो नहीं है। आप बहुत से चैनल पे जाके वहाँ पे दिखाई देगा कि रियलमी C11 में आएगा, C15 में आएगा, वेट कीजिए, मगर आपको वेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको रियलमी UI 3.0 और एंड्रॉइड 12 का मेजर जो अपडेट है वो देखने को नहीं मिलेगा। ये रियलमी की तरफ से क्लियर कन्फर्मेशन है, आज का ही न्यूज़ है, मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, क्लियर कन्फर्मेशन है, वहाँ पर आपको कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, मेजर अपडेट आपको सिर्फ एक ही मेजर अपडेट देखने को मिलेगा, वो है रियलमी 11 एंड्रॉइड 11 का, ठीक है, रियलमी UI 2.0 और एंड्रॉइड 11 वो हमें देखने को मिल गया है। उसके बाद कोई भी मेजर अपडेट हमें देखने को नहीं मिलेगा। और उसके साथ जो सी सीरीज़ का जो फ़ोन होते हैं उसके एक क्राइटेरिया होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, उसके साथ एक फीचर भी मैं आपको शो कर रहा हूँ वहाँ पे। सी सीरीज़ का क्राइटेरिया ऐसा होता है कि रियलमी जो सी सीरीज़ है उन्हें एक साल का मेजर अपडेट मिलता है और 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता है। बहुत ही, मतलब बहुत ही बेकार घटिया एकदम, मैं कहूँ ये नहीं होना चाहिए। जब एंड्रॉइड फ़ोन रिलीज़ होता है उसमें मिनिमम 2 ईयर्स मेजर अपडेट देखने को मिलता है और 3 ईयर्स सिक्योरिटी अपडेट, मगर यहाँ पे रियलमी ने C11, C15 के या सी सीरीज़ के जैसे फ़ोन थे, इससे पहले हमने C3 में भी देखा, C2 में भी देखा, जस्ट 1 ईयर मेजर अपडेट देखने को मिला था, 1 मेजर अपडेट, वहाँ पर कोई भी ज़्यादा मेजर अपडेट देखने को नहीं मिला था। वैसे ही होगा रियलमी C11, C15 एंड C12 के साथ, यहाँ पर भी कोई भी 3.0 अपडेट नहीं आएगा। तो बहुत ही दुख के साथ आपको ये यही कहना पड़ रहा है कि रियलमी C12 यूज़र, जैसे कि मैं हूँ एक C12 यूज़र, C15 यूज़र, C11 यूज़र, इन लोगों के लिए कोई भी रियलमी UI 3.0 का स्टेबल अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, साथ ही में कोई भी एंड्रॉइड 12 का स्टेबल अपडेट देखने को नहीं मिला। आपको सिर्फ एक मेजर अपडेट जो देखने को मिल गया है पहले ही, इसके साथ आपको सिर्फ और 1 साल का ही सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा, इसके बाद खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों ऐसा ही एक दुख भरी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, कैसे लगे ज़रूर आपका राय नीचे कमेंट करके बताना कि रियलमी का ये करना ठीक है या नहीं। मैं मिलता हूँ आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, तब तक लेट आ दोस्तों।